हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग 93 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए अरबी की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं अपनी ये रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो अरबियों को ले लिया है। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इनको छीलेंगे। अगर हम हाथों पर ऑयल नहीं लगाएंगे तो जो अरबी है वो हाथों में इचिंग करती है। इसके लिए हम इचिंग ना हो अपने हाथों में तेल लगाकर इसको छीलेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी सभी अरबियों को छीलकर ले लिया है। अब यहाँ हम इनको लंबा काटेंगे। आप चाहें जिस भी शेप में इसको काट सकते हैं। यहाँ मैंने इन्हें लंबा लंबा काटा है। सारी अरबियों को हमने काट कर ले लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से जो हमारी अरबियाँ हैं वो चिपचिपी नहीं होती हैं। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे। हमने अपनी अरबियों को वॉश करके ले लिया है। अब एक पैन में ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद इसमें ज़ीरा डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, मेथी दाना डालेंगे, सौंफ डालेंगे। यहाँ पर आप हींग भी ऐड कीजिएगा। इन सबको डालने के बाद हमने जो अरबियाँ अपनी ली है उसको इसमें डाल देंगे और चला चला कर 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारी जो अरबियाँ हैं वो अच्छे से फ्राई हो गई हैं। 2 से 4 मिनट तक हमने इनको अच्छे से चलाया था। अब इसमें हम यहाँ पर नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से नमक और हल्दी डालकर हम चलाएंगे। अब 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। हमने यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है। काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अब इसमें 2 हरी मिर्च को हम काट कर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लाल मिर्च को, जो साबुत लाल मिर्च होती है, उसको बारीक काट कर ले लिया है, वो डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ढकने के बाद हम इसको बीच बीच में चला चला कर देखते रहेंगे ताकि नीचे ये पैन में ना लगे। यहाँ 2 से 3 मिनट हो गए हैं। हमारी जो अरवी है वो अच्छे से पक गई हैं। अब इसको 1 मिनट तक चलाएंगे। चलाने के बाद हम इसमें यहाँ पर 1 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे 1 मिनट तक और इसके बाद हम इसको 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। यहाँ हमारा 2 मिनट हो गए हैं। खोलकर देखते हैं हमारी जो अरबी है वो अच्छे से बनकर रेडी है। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर हमारी अरबी बनकर रेडी है। यहाँ हम इन्हें पराठे के साथ खाएं या पूड़ी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आगे मैं आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू।